नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। दोस्तों, सैटरडे का दिन यानी कि बिग बैश लीग के होने वाले हैं डबल हेडर मुकाबले। पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट भिड़ेंगी इन द 33rd मैच ऑफ BBL 2022-23। दोस्तों, मैच होगा पर्थ स्टेडियम में, जहां पे अगर हम बात करें इस सीजन की पिच रिपोर्ट की तो 4 मैचेस इस ट्रैक पर खेले जा चुके हैं। 1 मुकाबला पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता था, तो वहीं 3 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे। हाईएस्ट स्कोर है स्कॉचर्स का 155 रन, तो वहीं लोएस्ट स्कोर है सिक्सर्स का 117 रन। टोटल 55 विकेट चटकाए जा चुके हैं 4 मैचेस में। 44 विकेट पेसर्स के हाथ लगे हैं, तो वहीं 11 विकेट स्पिनर्स ने चटकाए हैं। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करी जाए तो 18 मुकाबले स्कॉचर्स और हीट के बीच खेले गए हैं, 11 मैचेस स्कॉचर्स ने जीते हैं, तो वहीं 7 मुकाबलों में ब्रिस्बेन हीट का बोलबाला रहा है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो टोटल डोमिनेशन पर स्कॉचर्स का नजर आता है, 4 मैचेस स्कॉचर्स के, तो वहीं मात्र 1 मुकाबला ब्रिस्बेन हीट के हाथ लगा है। अब ये तो होती है बात अभी तक के सफर की और पिच रिपोर्ट की, नजर डालते हैं करंट कंडीशन पे। पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से खेल सकते हैं फाफ डुप्लेसी, एडम ब्लेथ, कैमरून बैनक्रॉफ्ट, जॉश इंग्लिस, एस्टन टर्नर, निक हॉपसन, मैथ्यू केली, एंड्रयू टाय, जेसन बेरेंडॉर्फ और पीटर हेड्सग्लू। अब दोस्तों, यहां पर जे रिचर्डसन जो है वो टीम में शामिल नहीं होंगे, प्लेइंग 11 में इनकी जगह दूसरा खिलाड़ी हमें नजर आने वाला है। वहीं अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो एंड्रयू टाय और जेसन बेरेंडॉर्फ, एक बार फिर इन पर होगा दारोमदार विकेट निकालने का। 7 मैचेस में 13 विकेट टाय के नाम रहे हैं, तो वहीं बेरेंडॉर्फ ने 7 मैचेस में 11 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। बल्लेबाजों की बात करी जाए तो यहां पर काफी हद तक टीम सफर करती नजर आई है। जॉर्ज इंग्लिस ने शुरुआती दौर में अच्छे रन स्कोर करे, 7 मैचेस में 240 रन बनाए हैं, वहीं पिछले कुछ मुकाबलों में ये चलते नजर नहीं आए हैं। फाफ डुप्लेसी का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही नजर आता है, 7 मैचेस में 163 रन है, मात्र 2 मुकाबलों में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ओवरऑल डुप्लेसी भी इस बार रन स्कोर करते नजर नहीं आए हैं। कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने रेनिगेट्स के खिलाफ 40 रन बनाए थे और अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं पिछले मुकाबले में ये सस्ते में पवेलियन लौटे थे। एरन हार्डी और एस्टन टर्नर दो ऐसे बल्लेबाज होंगे जिन पर एक बार फिर दारोमदार रहने वाला है। हार्डी के नाम 6 मैचेस में 145 रन, तो वहीं टर्नर ने 61 रन बनाए हैं थंडर्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में। दोस्तों, ये हैं कुछ ऐसे खास खिलाड़ी जो कि पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से रन स्कोर कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। वहीं ब्रिस्बेन हीट की अगर हम बात करें तो कॉलिन मुनरो, जॉर्ज ब्राउन, नथान मैक्सवीनी, सैम बिलिंग्स, जिमी पियर्सन, रॉस वाइटली, जेम्स बेजली, माइकल नेजर, मार्क स्टेकिटी, मैथ्यू कोहनमन और मिचेल स्वॉपसन खेलते नजर आ सकते हैं। अब हीट का लाइनअप डिसेंट दिखाई देता है, दे हैव मैक्सवीनी जिन्होंने 2 मैचेस में 112 रन बनाए हैं, लास्ट 2 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कॉलिन मुनरो के हाथ भी 7 मैचेस में 232 रन लगे हैं, लगातार किसी न किसी मुकाबले में अहम भूमिका निभाते दिखाई दिए थे। सैम बिलिंग्स ने 7 मैचेस में 160 रन बनाए हैं। दोस्तों, यहां पर बाकी बल्लेबाजों से कंसिस्टेंसी की उम्मीद थोड़ी कम रहती है। पियर्सन के नाम 7 मैचेस में 145 रन रहे हैं। अब यहां पर गेंदबाजों की बात करी जाए तो बेजली ने 5 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, नेजर के हाथ लगे हैं 5 मैचेस में 10 विकेट, कोहनमन ने 6 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं, तो वहीं मार्क स्टेकिटी ने 6 मैचेस खेलते हुए 9 विकेट अपने नाम करे। तो बॉलिंग अटैक हीट का काफी सॉर्टेड दिखाई देता है, बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं थोड़े फ्लॉज नजर आते जरूर हैं, लेकिन पर्थ स्कॉचर्स पर हीट भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है, भैया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और देखें कि आखिर किसका पलड़ा भारी हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें, जिससे आपको मिलती रहे क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स।